फाइनली आज मैं अपने सोलमेट की टाइप देख सकती हूँ। हेलो, ये शो क्यों नहीं हो रही है? मे बी सर्वर डाउन होगा। बाय मम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। डियर, तुम्हें पता चला तुम्हारी सोलमेट किस टाइप की है? नहीं मॉम, ये लोड कर रहा है, मे बी सर्वर में प्रॉब्लम होगा। डियर, कार में जाके बैठो। नहीं डैड, मैं चली जाऊंगी। प्लीज डियर, तुम्हारे डैड आज तुम्हें कार से कॉलेज ले जाने चाहते हैं। क्या ओके फाइन। हे एरिशा, तेरी सोलमेट का टाइप क्या है? ओह, मेरी सोलमेट एक बिजनेसमैन है। ओह, आई एम इम्प्रेस्ड। और तू बता? मेरी वाली अभी भी लोड कर रहा है। आई रियली होप कि मेरी सोलमेट की टाइप मेरी बेब की जैसी हो। मेरी बेब की टाइप मुझे बहुत पसंद है। बेब, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, लगता है आज हमारा लास्ट डे है। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। बेब, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम कहीं जा रहे हो? नहीं, हमें ब्रेकअप करना होगा। व्हाट? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है। मेरी सोलमेट एक सिंगर है जो तुम नहीं हो। सॉरी सुआ, मैं ये नहीं करना चाहता था। तो फिर हमारे 6 साल का रिलेशनशिप वो क्या होगा? मैं कुछ नहीं कर सकता। सुआ, क्या हुआ? तू रो रही है। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कौन? नील। नील ने क्या किया? उसने मुझसे ब्रेकअप कर दिया। व्हाट? मैं उसकी सोलमेट नहीं हूँ, इसलिए उसने मुझसे ब्रेकअप कर दिया। अब तो तुझे समझ में आ गया होगा कि नील तेरी सोलमेट नहीं है। अच्छा होगा कि तू उसे भूल जा। मॉम, आई एम होम। डियर, तुम्हें तुम्हारी सोलमेट की टाइप दिखी क्या? मॉम, मुझे नहीं जाननी मेरी सोलमेट कौन है, किस टाइप का है। प्लीज लीव मी अलोन। सोआ, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम लोग अचानक मेरे घर क्यों आए? हम सब लोग पार्टी में जा रहे हैं, तू भी चलना हमारे साथ? मेरी मूड नहीं है। डियर, अगर तुम ऐसे घर में चुपचाप बैठी रहोगी तो इससे तुम्हारी मूड ठीक नहीं होगी। अगर तुम लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ भूलना होगा। सुआ, मजा आ रही है ना? देख, मॉम ने मुझे फोर्स किया, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पे आई हूँ। ओके ओके, ठीक है, अब पार्टी एंजॉय कर। हे, तुम ठीक तो हो ना? हे सुनो। अरे किधर गया वो लड़का? यहाँ पे ही होगा। सोआ, हाँ? क्या हुआ, तू क्या देख रही है? अरे वो लोग किसी लड़के को ढूंढ रहे हैं। तो? अरे थोड़ी देर पहले मैंने एक लड़के के साथ धक्का खाया था। I don't know why, but मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग उसी लड़के को ही ढूंढ रहे हैं। अरे तू इन सब चीजों पे क्यों पड़ रही है? अरे हमें उसे बचाना चाहिए। देख, वो तेरी कुछ लगता है क्या? नहीं तो चल। पता नहीं गाइस, वो लड़का कहाँ रहता होगा। सोआ, तो फिर से ये सब सोचने लगी। हे गाइस, तुम लोग मुझे लैब रूम कहाँ है बता सकते हो? उस तरफ। वहाँ, थैंक यू। गाइस, यही वो लड़का है। थैंक गॉड ये सेफ है। मतलब यही वो लड़का है जिसे मैं ढूंढना चाहती थी। व्हाट? लेकिन वो यहाँ पे क्यों आएगा? सोआ, तू यहाँ पे क्यों? मुझे उससे बात करनी है। लेकिन तू उससे क्या बात करेगी? हे एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें कल पार्टी में देखा था, तुमने मुझे धक्का दिया था। व्हाट? हम दोनों कभी मिले थे? वो मुझे पहचान क्यों नहीं रहा था? देख, ऐसा भी तो हो सकता है तूने किसी और को देखी है। Attention everybody. मुझे समझ नहीं आ रही है, 2 दिन से लोड क्यों हो रही है। लगता है अब मुझे सर्विस सिस्टम में कंप्लेन करनी पड़ेगी। ये लड़का किधर जा रहा है? लगता है पीछा करना पड़ेगा। ये लड़का तो इस बंगलों के अंदर चला गया, कहीं ये उसका घर तो नहीं। Hey, कौन है उधर? म्याऊ। हे गाइस, मैं ना कुछ प्लान कर रही हूँ, उसमें मुझे तुम लोगों के साथ चाहिए। हाँ सो बोलना, हम तेरे साथ हैं। थैंक यू, मुझे ना उस लड़के का घर पता चल गया है। तो अब तो क्या करना चाहती है? मैं चाहती हूँ मैं मेड बन के उसके घर में जाऊँ और पता लगाऊँ आखिर बात क्या है। तो बताओ तुम लोगों को मेरी प्लान कैसी लगी? बेवकूफ, क्या तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कितना अच्छा प्लान बनाया था। प्लान तो अच्छा है, लेकिन तू पकड़े गई तो फिर तुझे वो लोग जेल भेज देंगे। और हम लोग नहीं जाते, तू जेल जाए। गाइस, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अगर तुम लोग मेरी हेल्प करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर मुझे सब कुछ पता चल गया तो मैं खुद उस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। ओके ठीक है, तेरे लिए तो ये सब कर ही सकते हैं। गाइस, मैं तो रेडी हो गई हूँ, बट मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि वो लोग मुझे सिलेक्ट करेंगे ना। अगर तू इतना नर्वस होगी तो आई एम डैम श्योर कि उन लोगों को पता चल जाएगा कि तुझ में कुछ गड़बड़ है, इसलिए बी कूल। हे, अरे यही तो वो लड़का है। तुम उधर कहाँ जा रही हो? वो सर मैं, तुम अभी भी सिलेक्ट नहीं हुई हो, तुम्हें पहले इंटरव्यू देना होगा। हाँ, इंटरव्यू? कैसे इंटरव्यू? इसमें शॉक होने वाली क्या बात है? सोआ, बी कूल, नर्वस मत। क्या है वहाँ पे? कुछ नहीं, वो मैं गॉड को प्रे कर रही थी कि ताकि मैं इस जॉब में सिलेक्ट हो जाऊं।
वैसे ये कौन सी गॉड है? मैंने इससे पहले ऐसा गॉड नहीं देखा। तुम्हें उससे क्या, तुम सिर्फ यहाँ पे जॉब करने आए हो, ना कि जासूसी करने। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? सर, अरे नहीं, ये मैं क्या करने जा रही थी, मैंने मूवीज में देखा है जब वो लोग डिस्गाइज होते अपना नाम भी चेंज करते हैं। इतना क्या सोच रही हो? सोंटू, ये मैंने कैसा अजीब नाम बता दिया। व्हाट, ये कैसा नाम है, ये तो लड़कों का नाम है। हाँ सर, किसने कहा मैं लड़की हूँ, मैं तो लड़का हूँ। व्हाट, तुम लड़का हो? नहीं सर, एक्चुअली मेरी मॉम, उनको लड़का चाहिए था लेकिन बदकिस्मत लड़की हो गई, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम लड़को जैसा रखा है ताकि उनको ऐसा ना लगे कि उनका कोई लड़का नहीं है। ओके, तुम सिलेक्टेड हो। क्या, जाके अपना काम करो। पता नहीं तुम मुझे इतना जाना पैसा ना सके लग रहे हो। गाइस, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, अब मैं तुम लोगों को जैसा जैसा बोलूंगी तुम लोग बिल्कुल वैसा ही करना। ओके सोआ। अंकल, अब कब से इस जॉब में है? लगभग 2 साल। ओह, तो फिर तो इनको उस लड़के के बारे में सब कुछ पता होगा। अंकल, क्या हुआ, कब तक खाना रेडी होगा? बस हो गया, मैं लेकर आता हूँ, आप जाके बैठिए। ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहा है? मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। यस, अब मैं उनके रूम में जाके सब कुछ पता लगा सकती हूँ। लगता है यही उनका रूम है। ये क्या, ये डोर तो लॉक है। शिट, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? हे, कौन है वहाँ पे? गुड इवनिंग सर। सर, जूस मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। रूम में लेकर आओ। जी सर। क्या आप ऐसे अपना रूम लॉक करके जाते हैं? तुम्हें उससे कोई मतलब? नो सर। उधर रख दो और जाते समय दरवाजा बंद करके जाना, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। अब मुझे जल्दी जल्दी करना होगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अरे, ये फोटो उल्टा क्यों है? अजीब है, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या, वो लड़का तो बाथरूम में है ही नहीं, तो फिर वो गया कहाँ? ये आवाज कौन कर रहा है? छोड़ मुझे। ये डोर, वो आवाज तो यही से आ रही थी। हे, छोड़ो उसे। डेविल, उसने मुझसे ब्रेकअप कर दिया। कौन?